समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने टूंडला के कमला गार्डन में एक चुनावी सभा में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे। बाद में वह मीडिया से भी रूबरू हुए। देखिए हमारे संवाददाता अनु श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। सपा बसपा का जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि परम आदरणीय राज्यसभा सांसद प्रचार करने आप लोगों के बीच में आते हैं, तरह तरह के लालच प्रलोभन देकर इस तरह की बातें करते हैं। हमारे सम्मान साथियों ने आप लोगों को बताया था, अभी झूठे वादे करते हैं, कहते देश की महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, आप लोगों के खाते 15-15 लाख रुपए दिलवाएंगे। मेरे सम्मान साथी, ये सब धोखा है, ये जुमलेबाज है, इनकी बातों में कतई नहीं आना है। साइकिल वाले खाने में इतने वोटर से आगे भेज देना, फिरोजाबाद में विधानसभा टूंडला में आप लोग सब बैठे हुए हैं, माननीय प्रोफेसर साहब को ऐसा विश्वास दिलाना इस बात का कि अच्छे भैया और टूंडला से कम 50,000 लीड दे के भेजेंगे। इस देश के सामने झूठे वादा करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को लोभ लालच दे करके, लोगों को तरह तरह की बातें करके, जो संविधान में संरक्षण प्रदान किया था देश के गरीब और उपेक्षित लोगों को, वो सब छीन लिया। हमारे बच्चों का रिजर्वेशन था, वो लगभग खत्म कर दिया गया है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे IITs हों, डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में, और लड़कों का दाखिला नहीं हो सकता। आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, उन्होंने ये नाम तो सुना ही होगा कि चला बहुत ज्यादा। आपको चुनावी माहौल कैसा नजर आता है? चुनावी माहौल का एकदम टनाटन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। देख नहीं रहे हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के चेहरे क्या बता रहे हैं। केवल फिरोजाबाद ही नहीं, अब सारी सीटें ठीक ही हैं। सर, एक जैसे अभी समाजवादी पार्टी में जैसे पूर्व मंत्री अशोक यादव ने घोषणा की अपनी, वैसे उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कब घोषणा की? कहा था उन्होंने समाजवादी पार्टी में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। क्या ऐसा आपको लगता है कि सरकार की साजिश है? इस मामले में बिना जानकारी के हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मामला अगर सही है तो बहुत सीरियस है, और गलत है तो साजिश भी हो सकती है। इसलिए जानकारी नहीं हो तो इस मामले में बोलना भी नहीं चाहिए। अगर बदलती है तो 2 दिन लगेंगे उसको स्वीकृत कराने में, वरना ये गवर्नमेंट दिवालिया हर तरीके से हो चुकी है, इसके रहते हो नहीं सकता। ये हटेगी तो बन जाएगी। सर, पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ, उसके बाद तमाम देश के लोग, तमाम देश के नेता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें युद्ध छेड़ देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में युद्ध छेड़ा जाता है तो क्या ये हिंदुस्तान के लिए सही रहेगा? देखिए, जब एटॉमिक वेपन से लैस दोनों देश हों तो कोई भी समझदार देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आणविक युद्ध में न कोई जीतता है न हारता है, दोनों हारते हैं। एटम हम जब गिरते हैं जी, दोनों तरफ गिरेंगे तो दोनों ही हारेंगे। एक एटम बम हिरोशिमा नागासाकी की तो बहुत छोटी बम थी, अब जो कैपेसिटी है, अब जो क्षमता वाली बम है, वो एक बम जो है दिल्ली के आसपास गिरी तो आगरा और हमारे फिरोजाबाद तक तो सबको खत्म कर देगी। और ऐसा थोड़ी ही कि अगर हम चला देंगे पहले तो वो खत्म हो जाएगा, कहीं न कहीं सबकी सुरक्षित रखी हुई है।
तो हम ये मान के चले युद्ध देश के हित में नहीं है। युद्ध तो कभी हित में नहीं होता है, लेकिन दूसरे साधन होते हैं। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में जो सुझाव दिया था, गवर्नमेंट ने कल कहा तो है, गडकरी ने कहा है, लेकिन जाने करेंगे कि नहीं। हम लोगों ने ये कहा था कि हमारा पानी जो सिंधु नदी का समझौता है, सतलुज और नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है, उसको आप पंजाब और हरियाणा की पानी है ही नहीं, सब पानी जलस्तर इतना नीचे चला गया, फसलें सब जो सब देश को खिला सकते हैं दोनों राज्य, वहाँ पानी नहीं मिलता है। और सतलुज यमुना लिंक नहर को लेके आप जानते कितना झगड़ा पंजाब के, जब पानी हरियाणा मांगता है तो पंजाब कहता नहीं देंगे पानी, वो पानी पाकिस्तान को बंद कर दीजिए और हमारे पंजाब और हरियाणा को जम्मू तक के इलाके को सबको दे दीजिएगा, सब देश इधर भी हम आबाद हो जाएं और पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा, घुटना टेक देगा घुटने।